नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्पॉट पे। आज 1 मार्च है और 1 मार्च के साथ चलते हैं अपने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन पहला आपके सामने है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे वेनेजुएला के भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो है संजय कोठारी, अभिषेक सिंह, फिलिप वार्टन और जो इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, फिलिप अभिषेक सिंह को वेनेजुएला के भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, वेनेजुएला के। तो इसमें और संजय कोठारी को भी हाल ही में नाम आपने सुना होगा, नया मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। और फिलिप वार्टन को भारत में ब्रिटिश के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया था। दोस्तों इसमें सही आंसर क्या है, अभिषेक सिंह को वेनेजुएला को भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दूसरा हमारे सामने है और दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है, तो इसमें कौन सा आंसर सही है, छत्तीसगढ़ जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत राज्य नहीं आता है। तो दोस्तों इसमें 28 फरवरी में भुवनेश्वर के क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई है, 24वीं बैठक आयोजित की गई है, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर रहे थे। तो इसमें जो है इस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन नहीं आता है, छत्तीसगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, भूटान इंडिया स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, सही आंसर है थिम्पू। किसमें आयोजित हो रहा है, थिम्पू में। तो ये जो भूटान इंडिया स्टार्टअप शिखर सम्मेलन थिम्पू में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट चौथा देखते हैं। चौथा हमारे सामने क्या, हाल ही में भारत और म्यांमार किन शहरों के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, तो हाल ही में भारत और म्यांमार ने, वही म्यांमार के राष्ट्रपति आए थे, तो किस शहरों के बीच बस सेवा शुरू करने के हस्ताक्षर किए हैं, इम्फाल और मांडले। किस शहरों के बीच भारत सरकार ने इम्फाल और मांडले के बीच बस सेवा शुरू करने का हस्ताक्षर किया था। और दोनों देशों के जो है 7 अप्रैल को, ये कब शुरू होगा, दोनों देशों के बीच बस चलने की 7 अप्रैल से शुरू की जाएगी। और दोनों देश जब भारत आए थे तो 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था, उसको डिटेल से आपको जानकारी होगी या आना था दूसरी वीडियो में आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील किस स्टेशन पर लॉन्च किया, तो ऑन व्हील किस स्टेशन पर लॉन्च किया है, तो इसमें सही आंसर आसनसोल है। हाल ही में भारत ने अपना पहला रेलवे स्टेशन ऑन व्हील आसनसोल जंक्शन पे लॉन्च किया है, इसमें कौन सा सही आंसर है, आसनसोल। भारतीय ने अपने रेलवे यात्रियों के लिए आसनसोल जंक्शन पे यह पहला रेस्टोरेंट लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लॉन्च की है, तो इसमें सही आंसर एयरटेल पेमेंट बैंक जो है एक आधार सक्षम भुगतान लॉन्च की है। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, 2017 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसके सीईओ कौन है, अनुव्रता विश्वास। तो इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने सातवां क्वेश्चन क्या है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव को खुद को अलग कर दिया, तो किसने अलग किया है, अभी संयुक्त राष्ट्र के अधिकार को ये श्रीलंका ने अलग किया है। तो बात यहाँ आई है संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ, न्यूयॉर्क में। और इसके सदस्य देश की संख्या 193 है, 193, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। तो इसमें से इतनी सी जानकारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आठवां आपके सामने है, भारतीय तटरक्षक गश्त पोत ICGS परत कहाँ कमीशन किया गया, तो ये आपका सही आंसर इसमें क्या है, चेन्नई। कहाँ किया गया है, चेन्नई। इसमें जो है भारतीय तटरक्षक गश्त पोत ICGS परत का कमीशन कहाँ से किया गया, चेन्नई। तो हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है, 18 अगस्त 1919 को स्थापना हुआ था, 78 को, और नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है, कृष्ण स्वामी। भारतीय तटरक्षक दिवस अभी आपको पता होगा 1 फरवरी को मनाया जाता है, अभी बताया गया था 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इसमें सही आंसर क्या है दोस्तों, चेन्नई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नौवां है, नौवां आपके सामने है, आंध्र प्रदेश के सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है पी वी सिंधु को। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी भ्रष्टाचार ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। तो यहाँ के कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। कैपिटल और सीएम क्या है,
वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन और दसवां क्वेश्चन है, भारतीय मूल के सुइला ब्रेवरमैन किस देश की अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुई हैं। तो भारतीय मूल की रहने वाली है सुइला ब्रेवरमैन, किस देश की अटॉर्नी जनरल है, किस देश की, तो सही आंसर इसमें ब्रिटेन है। किस देश में, सही आंसर ब्रिटेन है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे राजधानी ब्रिटेन की कहाँ पे है, लंदन है। कहाँ पे है, लंदन। और करेंसी क्या है, पाउंडिंग पाउंड स्टार्लिंग है। प्रधानमंत्री वहाँ के क्या है, बोरिस जॉनसन। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, को 10 क्वेश्चन थे, 10 कंप्लीट हो गए। चलते हैं अगले जो है। अब अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।